बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन व हज़रात, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ खालिद हुसैन, खालिद सब्जी वाला, एक बार फिर से कराची सब्जी मंडी डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है भाई, तो थोड़े से मेरे अपने कुछ मामला थे, कुछ काम थे, तो उसमें फंसा हुआ था। तो इंशाल्लाह अभी वीडियो रोजाना रेगुलर आया करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। चल के देखते हैं कौन सी चीज़ें सस्ती हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हैं कराची सब्जी मंडी में, ठीक है। टमाटर थोड़ा सा महंगा हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर है। 12 जून 2024 अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं, और देखते हैं कि कराची सब्जी मंडी में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हैं। तो वीडियो एंड तक देखना है आप लोगों ने, लास्ट तक वीडियो देखना है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, और चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे आप लोगों ने सेट कर देना है। दूसरा वाला चैनल है मेरा जिसका नाम है खालिद सब्जी वाला, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल पे इंशाल्लाह रोजाना अभी फ्रूट मंडी की वीडियो वगैरह भी आया करेंगे, खालिद सब्जी वाला जिस चैनल का नाम है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं कराची सब्जी मंडी में। वीडियो मैं इंशाल्लाह 12-13 में मुकम्मल करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी, और आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, लास्ट तक, ठीक है। तो आपको वैसे तो आवाज़ आ रही है, तुरई 40 रुपये किलो आज मंडी में, तुरई 40 रुपये, लौकी भी 40 रुपये किलो है, लौकी जो है ना 40 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी, तुरई भी 40 रुपये किलो, ठीक है। और आगे चलते गोभी कैसे रहे सर? गोभी 100 रुपए किलो, गोभी जो है ना 100 रुपए किलो मंडी के अंदर, फूल गोभी 40 रुपए किलो, टिंडा 50-60 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा आपको, बैंगन जो है ना 40 रुपए किलो, 5 किलो का 300, खीरा भी 70-80 रुपए किलो है, और जो है ना शिमला मिर्च जो है ना 180-160 सस्ती है बाबा, तुरई 40 रुपए किलो। भिंडी आज जो है ना भिंडी महंगी है बाबा, भिंडी मंडी के अंदर जो है ना 200 रुपए किलो के हिसाब से दी जा रही है भिंडी यार, 220 रुपए किलो के हिसाब से ये मोटा मोटा भिंडी, ये भी 220-200 रुपए। टमाटर खुला जो है ना मंडी के अंदर आज 80 रुपए किलो बिक रहा है खुला टमाटर, पेटी वाला भी मैं आपको दिखा दूंगा, बंद पेटी वाला वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ आगे। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कच्चा पपीता वगैरह भी है, बंद गोभी भी है, यहाँ पर कैरी भी है, और वो अचार वाली, ये वाली अचार वाली, तो ये अचार वाली तो पीली हो रही है ना यार थोड़ी थोड़ी। अच्छा ये कैसे दे रहे हैं बड़ी वाली? ये भी 30 रुपए किलो भी बस केरी, ये वाली भी 30 रुपए किलो है, चार वाली केरी है, मोटी मोटी केरी है, देखिए ये वाली 30 रुपए किलो के हिसाब से आपको केरी मिल जाएगी। बंद गोभी भी बस, बंद गोभी जो है ना 40 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी, बंद गोभी 40, और खीरा जो है ना 60-65 रुपए किलो, अच्छा वाला खीरा है, हरा भरा खीरा है, बिल्कुल सही है, ये जो है ना फार्म वाला खीरा होता है, ये शॉपर में आता है, बंद शॉपर में 60-65 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा आपको। और टिंडा जो है ना टिंडा भी इनके पास ऐसी है, और अरबी जो है ना अरबी 150 रुपए किलो, 160 रुपए, 150 रुपए किलो मंडी के अंदर है भाई, अरबी 150 और 160। टमाटर भी बस मैं आपको बताता चलो, टमाटर जो है ना आज महंगा है। अच्छा भी बस टमाटर जो है ना 1000 से लेके 1000 रुपए की, 1100 रुपए की और 1200 रुपए की पेटी दी जा रही है, सही है। टमाटर अभी से थोड़ा थोड़ा महंगा होने लग गया है, ये वाला टमाटर जो है ना 1200-1200 रुपए का दे रहे हैं आज, 1200 रुपए की पेटी बता रहे हैं। टमाटर देखें रखने वाला टमाटर है, कड़क टमाटर है, सही है। थोड़ा हल्का वाला जो टमाटर है वो 900 रुपए की पेटी है, जो हल्का वाला है वो 900 रुपए की, ये वाली 1200 रुपए की, और 1150-1100 रुपए की बताई है इन्होंने, ये वाली 900 रुपए की पेटी है, ठीक है। ये थोड़ा हल्का वाला ये 900 रुपए का, 19-20 है, इसमें थोड़ा सा कीड़े वाला निकलेगा, देखें आपको सामने नज़र आ रहा है ऊपर रखा हुआ। तो कहने का मकसद है अच्छा टमाटर जो है ना 1200-1100 रुपए से कम नहीं, अच्छा वाला टमाटर, हल्का वाला टमाटर 900 रुपए का। और भिंडी जो है ना भिंडी आज 200 रुपए किलो मंडी के अंदर है, ये भिंडी है भिंडा है पता नहीं क्या है यार, मोटे मोटे भिंडे हैं देखें आप, ये 200 रुपए किलो मंडी के अंदर है आज भाई। और आगे चल के देखते हैं व्यूअर्स क्या क्या चीज़ें सस्ती हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, लाइक करने में कुछ नहीं होता है मुझे, और वो मोटिवेशन मिलती है इंशाल्लाह, रेगुलर नई वीडियो आया करेगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कर दिया करें। टमाटर देखें, ये वाला टमाटर भी 800-850 रुपये का, ये वाला टमाटर भी। मटर व्यूअर्स, मटर जो है ना 280-270-280 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी, मटर अच्छी वाली है, 350-400 रुपये 40 चल रहा है व्यूअर्स। धनिया जो है ना 350, मतलब 8 रुपए की, 9 रुपए की, 8 रुपए की मंडी में गड्डी है। और ये पुदीना, पुदीना 240 रुपये 40 है व्यूअर्स, 240 रुपये 40 के हिसाब से 5-5 रुपए की गड्डी, पुदीना 5 रुपए की, धनिया जो है ना 8 रुपए की, 9 रुपए की पड़ेगी आपको। ये कड़ी पत्ता कैसे दे रहे बाबा?
कड़ी पत्ता जो है व्यूअर्स, कड़ी पत्ता भी मैं आपको दिखा दूँ, 5 रुपये गड्डी है, छोटी छोटी है। वैसे ये खुशबू गली होता होती है, छोटी छोटी गड्डी है, 5-5 रुपये की ये गड्डी भाई व्यूअर्स जो है मंडी के अंदर। और आगे चल के देखते हैं कि और कराची सब्जी मंडी में और कौन सी चीज़ें सस्ती हैं। टमाटर देखें इतना महंगा है, लेकिन लोग फिर भी भर भर के लेके जा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 2-3 दिन में और भी महंगा हो सकता है। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बताता चलूँ, 0301-2576-158 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 0301-2576-158। जो लोग भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, मैंने नया व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, कम्युनिटी ग्रुप बनाया है व्यूअर्स, उसमें जो है ना आप लोग ऐड हो सकते हैं और आप लोगों का नंबर भी शो नहीं होगा, ठीक है। ये कैरी देखें आप, ये है अचार वाली ओरिजिनल कैरी, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो के हिसाब से दी जा रही है, ठीक है। कैरी अच्छी वाली है, तो 40 रुपये किलो, रेशम तुरी 40 रुपये किलो, 5 किलो का 200, भारतीय 60 रुपये किलो, लोकी 40 रुपये किलो। ये मीठा कद्दू कैसे रहा है? 30 रुपये किलो मीठा कद्दू, 30 रुपये किलो व्यूअर्स, मीठा कद्दू 30 रुपये किलो के हिसाब से, लोकी जो है ना 40 रुपये किलो। शिमला मिर्च कैसे रहा है बेटा? 150 रुपये किलो। टिंडा 60 रुपये किलो, टिंडा 60 रुपये किलो, शिमला मिर्ची 150 रुपये किलो के हिसाब से व्यूअर्स, शिमला मिर्ची 150 रुपये किलो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कम्युनिटी ग्रुप, आप लोग जो है ना लेडीज वगैरह जो है ना, आप लोगों का नंबर किसी के सामने भी शो नहीं होगा, ना ही आपको किसी का नंबर शो होगा। तो उसमें अगर आप लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301-2576-158, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसमें आके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ईद के बाद तो इंशाल्लाह लाजमी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन आपको काम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऑनलाइन काम मैंने स्टार्ट कर दिया, तो वही व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ मैं दोबारा, और कम्युनिटी ग्रुप बनाया इसलिए कि किसी को भी नंबर किसी का शो ना हो। तो इस वजह से अभी इंशाल्लाह रेगुलर काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक है। तो 10-15 रुपये किलो में रख के मैं इंशाल्लाह आपको सब्जी आपके घरों में पहुंचाया करूंगा। तो चल के आगे देखते हैं और क्या सूरत हाल है, आलू प्याज की, टमाटर की। तो ये है मंडी कराची की सब्जी मंडी, सबसे बड़ी सब्जी मंडी। ये पुदीना देखें रोड के बीचों बीच में फेंक दिया, यहाँ पर बस यही हालात होते हैं, कोई सफाई वफाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं होता। और देखते हैं कि आगे चल के देखते हैं कराची सब्जी मंडी में और क्या सूरत हाल है भाई। करेला वरेला मुझे नजर नहीं आ रहा, करेला पड़ा हुआ इस भाई के पास, लेकिन अच्छा नहीं, अच्छा वाला करेला नजर आएगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। प्याज भी वैसे प्याज जो है ना मंडी के अंदर 110 रुपये किलो दी जा रही है, खुली प्याज सही 110 रुपये किलो के हिसाब से। तो इसमें मोटी छोटी बड़ी छोटी सारी मिक्स होती हैं 110 रुपये किलो के हिसाब से। जो आलू है जो ना, आलू भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ, आलू प्याज मुकम्मल मैं आपको जो माशाखबर बैठे ना उनसे रेट कन्फर्म बताता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आज मैंने जो है ना अपना माल भी लेना था, आज बस पैसे अकाउंट में पड़े हुए थे तो वो निकलवाने गया, तो पैसे कोई नहीं निकाल रहे, दो दुकान वाले के पास गए, इजी पैसे वाले जैस कैश वाले के पास, तो वो पैसे नहीं निकाल रहे, अभी पैसे नहीं है, ईद का सीजन है, पैसे है नहीं किसी के पास। जो ATM में गया तो ATM में निकालने गया, तो 3 ATM में गया, 3 ATM ने कार्ड वापस फेंक दिया, मतलब उसमें पेमेंट था ही नहीं। वो तुरई लौकी में जो ना तुलवा के रखे गए ईंधन से ही, 5 किलो तुरई लिए, 5 किलो लौकी लिए, ये तुली रखी है, माल तुलवा के रखे गए भाई, और ATM कार्ड में पैसे नहीं निकल रहे, अब क्या करूँ बताऊँ, माल तुलवा के रखे गए। तुरई लौकी मेरी है ना, 5 किलो लौकी थे, 5 किलो तुरई तो ले आवे, पैसे कहा नहीं और क्या करा। अच्छा भी बस ये देखो कार्ड भी मेरे हाथ में है, पैसे नहीं निकल रहे थे, माल मैंने तुलवाया है, तुरई भी तुलाई है, लौकी भी इसी भाई से तुलवाई, अब क्या करूँ, वो वापस गलती कर रही है, देख रहे हो आप, ये ना पैसे ATM से निकल रहे हैं ना किसी के पास पैसे हैं यहाँ पर दुकान वाले के पास, अब क्या करूँ, बस बहुत मजबूर हूँ, यकीन करेंगे बस। रास्ते में जो इतनी लूट मार हो रही है ना जमाली पुल पे, आज भी जमाली पुल के ऊपर आज भी जो है ना गाड़ी को लूटा है एक सुजुकी, और यकीन करो बंदे रो रहे थे, पैसेंजर इधर आए जब मंडी में ना, तो इतना वो परेशान था एक बंदा, तो यकीन करो उसकी आंखों में से आंसू नहीं आ रहे थे, निकल रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से उसको हमने वो दिलासा दिए। तो गरीब आदमी है, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लेके आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए जमाली पुल के ऊपर, यकीन करो आगे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, नीचे पुल के उतरने से ना पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, फिर भी गाड़ी को लूट लिया यार, हम तो खुद हैरान परेशान, ये शुक्र है हमारे पास तो कैश वैश था नहीं। तो आगे और चल के देखते हैं कि कराची सब्जी मंडी में क्या सूरत हाल है। देसी आम 25 रुपये 30 रुपये, ये देखो ये अचार वाला आम, अचार वाला आम 25 रुपये, पूरी 25। पाकिस्तान में जब तक ये लूट मार खत्म नहीं होती ना, यकीन करो चैन नहीं आएगा। अभी आज बिल्कुल जैसे हम लोग उतरे ना मंडी में पहुंचे, तो बंदे बता रहे थे कि यार हमारी गाड़ी से बिल्कुल आ गई थी, 5 मिनट का 4-5 मिनट का फर्क हुआ है, तो उस गाड़ी को लूटा गया। तो चलो ये भाई से अदरक लहसुन के रेट पता करते हैं, बाकी अल्लाह खैर करें।
आइटम दिखा दो फिर बाद में। लहसुन कैसे दे रहे हैं छोटे? अभी सुनाओ नींबू क्या पूछे नीचे है कुछ नहीं सही हुआ है। अच्छा नींबू 300 रुपए 300 रुपए किलो हो गए। ये वाले दिखा ना उठा के माशाल्लाह बहुत अच्छे मोटे नींबू भी है। मोटे नींबू ये क्या साहब है? 300 का चल रहा है। 300 रुपए किलो के साथ। अच्छा लहसन बताओ छिला हुआ लहसन और बगैर छिला हुआ 350 रुपए किलो है। अच्छा मिर्ची जो है वो 120 रुपए किलो है। मोटी अच्छी जो है मोटी वाली 120 वाली नई मिर्ची शुरू हुई है। कहाँ की है ये? ये वाट बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान की है। और जो दूसरी पतरी वाली पत्ती पंजाब लाल पीली मिक्स आ रही है ना वो पंजाब वाली आ रही है। शहजादी मिर्ची कहते हैं ना तेज वाली मिर्ची तेज वाली होती है वो 100 रुपए किलो चल 100 रुपए किलो चल रही है। ठीक है लहसन का अदरक का क्या रेट बता? अदरक 550 रुपए किलो। 550 रुपए वो जो चाइना लहसन है वो 300 रुपए किलो। चाइना पाकिस्तानी है ना? पाकिस्तानी चाइना है। पाकिस्तानी आ रहा है पाकिस्तान। अच्छा ठीक हो गया वो 300। ठीक है मेहरबानी जनाब शुक्रिया। ये वाला लहसन भी 300 रुपए किलो। देसी लहसन जो है ना ये भी आपको 280-300 रुपए तक मिल जाएगा। चाइना लहसन जो है ना ये भी पाकिस्तान लहसन है चाइना लहसन। ये भाई इनके नंबर है अगर आप लोग रابطہ करना चाहें तो रابطہ भी कर सकते हैं। कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो ओरिजिनल रेट होते हैं जो प्राइस होते हैं मैं वही प्राइस बताता हूँ। ठीक है और आगे चल के कुछ और देखता हूँ। कुछ और प्याज और आलू वगैरह का रेट डालता हूँ बस और कुछ फिर देखता हूँ कि सब्जी में कुछ आइटम रहेगा तो फिर उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आलू प्याज के मैं आपको रेट बताता चलो माशा करो रेट बता रहा हूँ। ठीक है जो खुला रेट बेचते हैं ना प्याज जो है ना 110 रुपए किलो दी जा रही है। बड़ी बड़ी प्याज है अच्छी वाली प्याज है 110 रुपए और छोटी हल्की वाली है थोड़ी वो 100 रुपए किलो है। और आलू के रेट पूछूंगा मैं भाई से। ठीक है व्हाइट वाला आलू मैं बता दूं आपको ये 60 रुपए किलो है। ठीक है इसमें गोला आता है वो 65 रुपए किलो। ये वाला 60 रुपए किलो। लाल वाला आलू जो है ना लाल वाला 80 रुपए किलो है। लाल आलू फीका नमकीन आलू होता है ये और चिप्स बनाने में अच्छा होता है। ये गर्म स्टोर है ठंडा वाला है? गर्म स्टोर का कैसे दिया? गर्म स्टोर भाई 80 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है 80 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा लाल वाला आलू। अच्छा तो प्याज है प्याज अच्छी वाली प्याज 110 रुपए किलो है। जो हल्की वाली प्याज है जो छोटी वाली प्याज है वो आज मंडी के अंदर 100 रुपए किलो है क्योंकि बकरीद आ रही है ईद पे तो वो प्याज व्याज का ही और इसी चीज़ का काम होगा। देखिए आप आलू प्याज वगैरह और अदरक लहसुन सारा मसाले ही काम आएंगे और कुछ भी ज़्यादा इसमें काम नहीं आएगा। वीडियो बस छोटी सी बनाई है यार। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोगों ने। और आगे चल के देखता हूँ अगर कोई और चीज़ है तो ठीक नहीं तो मैं फिर वीडियो एंड कर दूँगा। मिर्ची जो है ना ये पंजाब वाली है ये वाली तेज़ वाली मिर्ची होती है बहुत तेज़ मिर्ची होती है। ठीक है ये वाली प्याज मिर्ची आज 120 रुपए किलो है। बस अच्छी वाली मिर्ची जो है इसमें जो लाल वाले रही वो 100 रुपए किलो। ये वाली जो है ना 120-110 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। गाजर आपको चाइनीज गाजर भी मिल जाएगी ऐसी बंच ऑफर में। डेढ़ सौ रुपये किलो विवर्स हरी प्याज जो है ना 150 रुपये किलो के हिसाब से दी जा रही है प्याज अच्छी वाली। करेला विवर्स देखें अभी बकरीद आ रही है यार ईद पे सब्जी सस्ती नहीं हो रही इतनी महंगी है समझ से बाहर है। लेकिन करेला 100 रुपये किलो और टिंडा इनके पास 80 रुपये किलो है। ककड़ी है जो ये ककड़ी बहुत अच्छी होती है ठंडी होती है ये भी 100 रुपये किलो है। गवार फली देख लें आप गवार फली है तो ये भी 120 रुपये किलो के हिसाब से 130 रुपये किलो के हिसाब से। अरबी 150 रुपये किलो के हिसाब से। भिंडी 200 रुपये किलो के हिसाब से चल रही है कराची सब्जी मंडी में। क्या करे बंदा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बकरीद में तो हम लोग 20-20 रुपए किलो सब्जी लेके जाते थे पहले तो बकरीद में ना काफ़ी सब्जी सस्ती हो जाती थी। अब लौकी देखो 50-40-50 रुपए किलो से कम नहीं है मंडी के अंदर। तुरई जो है ना 40-50 रुपए किलो है। 40 भी बता रहे थे तुरई कहीं 50 भी बताइए तुरई। जिसने स्पीकर लगा के रखे हुए थे वो तो सस्ती बेच रहे थे। तो खैर इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआ में याद रखना। 50 रुपए किलो लहसुन दिया जा रहा है। बस खुश रहे जा रहे हैं अब आ रहे हैं। टमाटर शमाटर थोड़ा सा महंगा है अगर लेके रख दो 5-6 किलो इससे पहले ही लेके रख दो भी बस तो सही रह जाओगे। अभी टमाटर थोड़ा सा और महंगा होगा आज 1100-1200 रुपए की 1000 रुपए की कम से कम पेटी 1000 रुपए की थी और वो भी हल्का वाला टमाटर 1000 वाला अच्छा वाला टमाटर जो है ना रखने वाला वो 1200 रुपए की पेटी थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआ में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो को लाइक क्या करें यार। अल्लाह हाफिज़।